स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है। और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही टेस्टी परांठे की रेसिपी। आज बना रही हूँ बटर गार्लिक लच्छा परांठा। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो बहुत ही टेस्टी हो और बनाने में बहुत ही आसान हो। तो ऐसी है मेरी आज की रेसिपी। आज बना रही हूँ बटर गार्लिक लच्छा परांठा, जिसके साथ अगर आप कुछ सब्जी ना भी लें तो वो अकेले रायते के साथ या सिंपल ऐसी बटर के साथ ही बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे अमेजिंग बटर गार्लिक लच्छे परांठे की रेसिपी। ये परांठे बनाऊंगी मैं गेहूं के आटे से। तो यहाँ मेरे पास है एक कटोरी गेहूं का आटा, इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच नमक, साथ ही में जाएगा इसके अंदर तेल। अब इन सबको मिक्स करके मैं इस आटे को अच्छे से एकदम सॉफ्ट गूंद लूंगी। ये सॉफ्ट हो गूंद के बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक कवर करके छोड़ दूंगी। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, आइए हम इसकी फिलिंग बनाते हैं। तो यहाँ एक कटोरी में मैंने लिया है बटर और इसके अंदर मैं डालूंगी ये ग्रेटेड गार्लिक। तो इसे मैंने कद्दूकस करा था और ये ऑलमोस्ट एक चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी। आधा चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर नमक। तो बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो इसलिए आधा चम्मच भी इसमें बहुत रहेगा। और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी इसको बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कसूरी मेथी भी गई इसके अंदर और अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब बटर यूज़ करेंगे तो ध्यान कीजिएगा कि ये बटर ऐसे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना बिल्कुल मेल्टेड और ना बहुत ही हार्ड। तो वैसे रूम टेम्परेचर पे होगा तो इसकी फिलिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये मिक्स होके हो गया तैयार, मैं इसको रखती हूँ साइड पे और बनाते हैं हमारा अमेजिंग रायता। ये अमेजिंग रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक बोल और इसके अंदर है बीटन कर्ड। तो दही को मैंने फेंट लिया था और इसके अंदर डालूंगी मैं गार्लिक। तो ये वही गार्लिक है जो मैंने बटर में डाला था, मैंने इसे बहुत बारीक कद्दूकस करा है। आप चाहो तो इसे आप पीस के भी डाल सकते हो। सिर्फ एक चौथाई चम्मच मैं इसके अंदर गार्लिक डालूंगी। इसी के साथ डालूंगी इसके अंदर एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर भुना हुआ जीरा और फिर से मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट फ्रेश हरा धनिया, ये भी जाएगा इसके अंदर। बस इन सबको करूंगी अच्छे से मिक्स। ये रायता इसके साथ खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर आप मेरे और रायते की रेसिपी चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक बहुत ही अमेजिंग तंदूरी रायते की रेसिपी, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा अमेजिंग रायता बन के हो गया तैयार। तो सब कुछ हो गया तैयार, आइए अब बनाते हैं हमारे अमेजिंग परांठे। तो ये मैंने आटे का एक पेड़ा ले लिया है। इससे मैं एक अच्छी बड़ी रोटी बेल लूंगी। ये ऑलमोस्ट मैंने इस पूरे चकले के साइज की एक रोटी बेल ली है और इसके अंदर अब मैं लगाऊंगी ये बटर जो हमने तैयार करके रखा था। तो ये बटर को मैं अच्छे से हाथ से फैलाऊंगी। फैलाते हुए ध्यान रखिएगा बिल्कुल एंड तक भी ये अच्छे से लगे, ताकि हर एक बाइट में आपको मज़ेदार गार्लिक का एंड कसूरी मेथी का इन सब का फ्लेवर अच्छे से आए। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। अब डालूंगी इसके ऊपर
थोड़ा सा ये सूखा आटा, तो ये सूखा आटा डालने से इसके अंदर बहुत अच्छे लच्छे आते हैं। तो ये सूखा आटा थोड़ा थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूँगी। चलिए अब आता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है इसे रोल करना ताकि इसके बहुत अच्छे लच्छे बने। तो ये देखिए, मैं यहाँ से इसे उठाऊँगी और इसको ऐसे, जैसे कि हम एक फ़ैन बनाते हैं बचपन में बनाते थे, उस तरीके से मैं इसको रख दूँगी। और इसी तरीके से मैं धीरे धीरे एक एक फोल्ड आगे लूँगी। और ऐसे ये फोल्ड बना लूँगी। इसे थोड़ा सा मैं अपने हाथों से दबा के और स्ट्रेच भी कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसे उठाऊँगी और इसके बीच में मैं यहाँ पर अपनी रखूँगी फिंगर और इसे ऐसे रोल करना शुरू करूँगी। जहाँ पे ये एंड ख़त्म हो रहा है, यहाँ से मैं फिंगर हटा के और ये जो एंड है इसको डाल दूँगी इसके अंदर और फिर मैं कर दूंगी इसको प्रेस। और ये देखिए, ये जो लच्छे आए हैं यही हमारे लच्छे परांठे को मज़ेदार बना देंगे। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा ताकि मैं इसे आराम से बेल पाऊँ। ऐसे तो अगर आप कर सको तो ये हाथ से भी बहुत आराम से बेल जाएगा क्योंकि इसके अंदर बटर है और ये बहुत सॉफ्ट है। बट अगर आप ना कर पाओ तो आप इसको आराम से रोलिंग पिन से बहुत ही हल्के हाथ से बेल लेना। तो ये देखिए, लच्छों के साथ लच्छा परांठा बिल के बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसे सेक लूँगी। ये परांठा इस साइड से सिक चुका है, अब लगाती हूँ इस पे घी। दूसरी साइड पे भी मैं इसे घी लगा के सेक लूंगी। ये देखिए, ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक गए हैं और आप इसकी परतें देख सकते होंगे कि एक एक परत अगर मैं आपको उठाऊं तो ये खुल सकती है। ये देखिए, तो बस ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक गया है। आप जब भी परांठा सेके तो ध्यान रखें कि इसको साइडों से ज़रूर प्रेस करें। अक्सर परांठे बीच में से सिके हुए और साइडों से कच्चे रह जाते हैं। तो बस ये मज़ेदार परांठा सिक चुका है और अब मैं निकाल लेती हूँ इसको प्लेट के ऊपर। परांठे हो गए हैं तैयार एंड रेडी टू सर्व। आई होप ये मज़ेदार टेस्टी लच्छा परांठा देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा और आप आज ही इसे ट्राई करोगे। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।